नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागर। अभी हम हैं हिंडौन में, राजा सूरजमल स्टेडियम में, जहां कुछ ही देर में आएंगे। तो मैं आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। अपनी मुंडी इधर घुमाइए, जो लोगों की मुंडी उधर है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो आगे बैठे हैं, आप वैन गाड़ी की तरफ ना देखिए, इस गाड़ी की तरफ देखिए। और ठीक है, इस मैडम की तरफ देखिए। इसने कहा है, लेकिन किसको देनी वोट पियाजी, किसको हमने लाना है? हाँ, और आपको पता ये बात हम क्यों पूछ रहे हैं? किसको देनी वोट पियाजी, किसको हमने लाना है? मंच पर बैठे नेताजी ने जवाब दे दू, इस मैडम को जवाब दे दू भाई, जवाब दे दू तो ताली बजा कर क्यों नहीं बताते? सुनसान क्यों बैठे रहते हो? अब के कहे जवाब दूंगा। सुनिए, किसको जाती है। इस लेडीज के आगे बहुत बड़े बड़े
भगवान भी झुके हैं, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं देवी जी आप भी सबसे पहले जाकर के खाना तभी बनाना। अपनी माता बहनों से निवेदन करूंगा खाना तब बनाना, और अपने घर वाले से पूछ लेना पहले के चाबी का बटन दबाया कि नहीं दबाया। अगर चाबी का बटन दबाया है तो ही रोटी देना, नहीं तो मना कर देना का दो ही रोटी नहीं है। और मेरे साथ में कौन कौन जा रही है, कौन खेल रहे हाथ उठा के बताओ एक बार। सारी जाऊंगी टोल बना के, सारी जा रही हूं। और का एक बार एक जयकारा लगाओ। हाँ। वोट में दूंगी जी जेपी को, वोट में दूंगी जे जेपी को, मैंने मन में ठाना है। हिंडौन की जनता, हिंडौन की जनता ठान गई, हिंडौन की जनता ठान गई, गायत्री को हमें जिताना है। हिंडौन की जनता ठान गई, गायत्री को हमें जिताना है। आजाद मंडोरी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सद्दाम हुसैन गद्दीपुरा जी पहुंचे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मंच पे आकर बैठने का काम करें। मुकेश सहरसवास जी भी पहुंचे हैं, ब्राह्मण समाज के हमारे बहुत बड़े नेता, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी ऊपर आकर बैठने का काम करें मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकार साथियों का जो कि इतनी बढ़िया प्रस्तुति गायत्री कोहली जी के पक्ष में और दुष्यंत चौटाला जी के पक्ष में देने का काम कर रहे हैं। साथियों अभी अभी युवा के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सागवान जी के पास सूचना आई है कि इधर ब्रिज तक जाम है चारों तरफ, इधर महावीर जी मार्ग तक चारों तरफ जाम है, शहर में कोई आदमी पैदल नहीं निकल सकता, ऐसे गायत्री कोहली के पक्ष में माहौल बढ़ चुका है। साथियों ये व्यापारी यहाँ बैठा, एक कहावत है कि चुच्चे से बच्चा तक सब ने मन बना लिया कि अब तो भाई किमी भी अच्छी हो, फोटो ले लिया कोई अच्छी हो, गायत्री कोहली आपके आशीर्वाद से, दुष्यंत चौटाला के आशीर्वाद से और हमारी इस मेहनती टीम के दम पे विधायक बनने जा रही है। साथियों जा रही है कि नहीं जा रही, दोनों हाथ खड़े करके गायत्री जी को विश्वास दिलाते हो कि आप विधायक बन चुकी है जी। बेनीवाल जी एक प्रस्तुति और, तो आइए एक चुनावी गीत के लिए और मैं आमंत्रित करता हूं मैडम पूजा शर्मा को, और हमारे कुछ लोगों की एक मेरे पास डिमांड भी इशारा भी किया था, एक गीत भी हो और सुना भी हो, लेकिन जो अपने सुस्ती आ रही है सुस्ती थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो एक बार ताली बजा करके बताइए। दोनों ही तरह का मनोरंजन आपके बीच में, हमारी टीम के कलाकार आपके बीच लेकर आ रहे हैं, तो आइए मैडम पूजा शर्मा जी। हाँ, इस गीत को भी मैं और मैडम पूजा शर्मा ही रखेंगे, आइए बढ़ाने से।
कहो जी क्या बात है? ये बताओ कि आज सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हो? प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार? जननायक जनता पार्टी का। ये कौन है? ये हमारे हरियाणा के और भारत के हाँ? युवा दिलों की धड़कन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के प्रचार प्रसार करने के लिए। अच्छा। इसे हिंडौन सिटी के अंदर, इस हिंडौन विधानसभा के अंदर जो उनकी प्रत्याशी है गायत्री कोड़ी, उनके प्रचार में जा रहे हैं। अच्छा हाँ? यानी कि आप प्रचार करने के लिए जा रहे हो गायत्री कोड़ी जी का? बिल्कुल। तो बात ऐसी है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मेरे साथ में क्या ले, अपने डिपार्टमेंट के साथ चले जा, अपनी देवर जेठानियों के साथ चले जा। अरे तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरी जितनी भी सखी सहेली है ना, चंपा अंगूरी धापो गरी, ये सारी मेरी गैल जा रही है। एक बार नीचे जाए इनके पास। चलोगी ना? एक बार नीचे जाए इनके। इसे लंबे करो। अच्छा भाई करंट आ रहा है भाई। ये राजेश जी, पंडित जी, पंडित जी, बाबूजी का एक प्रणाम लिखो। खड़े होकर सुने? हाँ सुन रहा हूँ। ये जितनी भी मेरी सखी सहेली है सारी जाओगी नारी? जोर से बोलो जाओ। अरे मेरी कोयल, ताली बजा दो एक बार। जोरदार ताली बजा कर। और सुने? हाँ सुन रहा हूँ। ध्यान किधर है? हम तो इधर है। अरे हमारा ध्यान भी तुम्हारी तरफ है। बात ऐसी है। कैसी है? इधर मुंह कर। ये बताओ हाँ? हम जाएंगे तो सही, पर ये बताओ हम जो चुनाव चिन्ह दबाए वो किसका दबाए? यही पूछ ले इनसे बैठी है। किसका दबाना है? ए? चाबी। चाबी? तुम भी दबाओगी? अच्छा सुनो हाँ? हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने हाँ? हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने हिंडौन विधानसभा के लोगों के लिए सुनहरा मौका दिया है। दिया है खजाने का ताला खोलने के लिए। हाँ? खजाने का ताला किससे खुलता है? चाबी से ही तो खुलता है। अब मैं समझ गई कि किसने बटन दबा के आना है हमें। चाबी पे बटन दबाना है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुन सुना मुझे बतला दे भरी तारे। क्या भरी तारे? हाँ? अब किसकी वोटी बहानी है? आजा तू सुन ले मेरी नारे। क्या हो नारे? एक मिनट, दो मिनट। मेरी जितनी भी सब की सहेली है सारी जा रही है। हाँ? ये तेरे भाईला भी जा रहे हैं? मेरे भाईला भी जा रहे हैं। ये तो बहुत नई लग रही है। हाथ खड़े करके बता दो मेरे जितने भी भाई हैं। सुनो जो मेरे भाई हैं, मेरे भाई, वो हाथ खड़े करके बता दो, और जो इसके भाई हैं उनसे मैं कहूंगा नहीं। मेरा भाई कोई नहीं है यहाँ। जब मेरे भाई और इसके थेवर है वो हाथ खड़े करके बताओ। सभी लोग जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे। तो सुन मेरी बात, कह दे बतला दे भरी तारे। मास्टर जी भरी तारे। अब किसकी वोट लगानी है? और तू सुन ले मेरी नारे, हो नारे, चावी की बटन दबानी है। उनकी तरफ से भी 200 रुपए भिजवाए हैं इस गीत पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
क्या बात है, तैयार है? हम सुन, ये भाई लाए तेरा? हाँ मेरा भाई लाए। भाईला बहुत बढ़िया बनाया तेरे सुन। तो यही तो बात है सुन, बतला दे कौन चाबी बारी। हेलो हाँ, ये भाईला तुझे ही तेरे लिए 50 रुपया दे गया। मैं तेरा ही भाईला, मुझे एक चवन्नी नहीं दी इसने, जिसने पहचान हो गई कि अब तेरा ही भाईला है। तो मुझे ही तो दे के जाएंगे, तुझे क्यों देंगे? अच्छा, तू अपने वाले डिपार्टमेंट में से मान लो तेरे भाई है। अच्छा मतलब ये तेरा ही डिपार्टमेंट है और क्या भाई, जो भी है जो भी। तो ठीक है, बतला दे कौन चाबी बारी गायत्री की अब के बारी। बतला दे कौन चाबी बारी गायत्री की अब के बारी। सुने ये सबसे हाँ, ये सबसे 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 ही